हेलो फ्रेंड्स, टेक टीडी पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ बोट का जो बेस है 900 हेडफोन है उसका। सो इसका जो पैकेट है आप देख सकते हो किस तरह बनाया गया है। और फ्रेंड्स, इसे मैं अमेजोन से 649 में बाय किया हूँ। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। सो इसके जो पैकेट है यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है सुपर एक्स्ट्रा बेस। तो फ्रेंड्स, आइए इस हेडफोन के अंदर क्या कुछ है और कितना बेस है आइए देख लेते हैं। सो पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, पैकेट ओपन करते ही यहाँ पर जो हेडफोन है इसे प्लास्टिक के अंदर देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, इसे मैं अभी साइड में रखता हूँ और इसके अंदर क्या क्या है देख लेता हूँ। सो यहाँ पर मुझे एक वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। इसी के साथ यहाँ पर आपको एक बोट का स्टिकर देखने को मिलता है जिसे मैं हेडफोन पर कुछ इस तरह से सेट करा हूँ। सो फ्रेंड्स, इस सब को अभी मैं साइड में रखता हूँ और यहाँ पर जो हेडफोन है इसे मैं अभी रिव्यू कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, बोट का ये ब्लैक कलर का हेडफोन कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है और इसका एक व्हाइट कलर भी मार्केट में अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, इसका आप कुशन वगैरह देख सकते हो। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको ये बहुत ही बढ़िया दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस हेडफोन के साथ आपको 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है। ये जैक आप देख सकते हो मेटल से कवर किया गया है और इसके स्टार्टिंग पॉइंट में आपको एक स्प्रिंग देखने को मिलता है जो कि यहाँ से वायर को काटने से बचाता है। इसी के साथ यहाँ पर आपको अच्छा क्वालिटी का रबर PVC केबल भी देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको एक इनबिल्ट माइक देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, इंट्रो के बाद से आप जो साउंड इस वीडियो पर सुन रहे हो ये इसी का मिक से रिकॉर्ड किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये जो मिक है ये अच्छे क्वालिटी का मिक है, इससे आप गेमिंग और कॉलिंग पे अच्छे से बात भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये एक फोल्डेबल हेडफोन है, इसे आप कुछ इस तरह से खोल सकते हो। और फ्रेंड्स, इसका जो ईयर कप्स है इसे आप इधर उधर घुमा भी सकते हो। सो फ्रेंड्स, हेडफोन को खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको दिखने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस हेडफोन की मैं अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये जो हेडफोन का हेडबैंड है ये पूरी तरह से आपको प्लास्टिक में देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, इस हेडफोन को आप दोनों साइड से इस तरह से ट्रेस करके आप इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हो और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का मेटल भी देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसे बड़ा करने के बाद ये कुछ इस तरह का देखने लगेगा। इसी के साथ इस हेडफोन के आपको ईयर कप्स के पीछे कुछ इस तरह का राउंड डिजाइन देखने को मिलता है जो कि मुझे अच्छा लगा। और फ्रेंड्स, इसका जो 40 mm का डाइवर्स देखने को मिलता है ये सच में आपको पावरफुल बेस प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ इस हेडफोन के अंदर आपको नॉइज कैंसलेशन देखने को मिलता है और ये हेडफोन 150 ग्राम का है। इसका जो वेट है ये बहुत ही लाइट वेट है। सो फ्रेंड्स, अब मैं इस हेडफोन का साउंड चेक करने वाला हूँ। सो इस हेडफोन पे मैं एक सॉन्ग प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा HP का माइक्रोफोन है इससे मैं आपको इसका साउंड सुनाने का कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस हेडफोन का साउंड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। सो फ्रेंड्स, इस हेडफोन को मैं अब पहनकर दिखाने वाला हूँ ये कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं दोनों तरफ घूमकर दिखाता हूँ, आप देख सकते हो ये किस तरह लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इस हेडफोन का मैं अगर ग्रिप की बात करूँ तो ये हेडफोन हेड पर ठीक से सेट हो जाता है। और फ्रेंड्स, ये हेडफोन उतना टाइट भी नहीं है, ठीक ठाक है, इसे आप लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हो। और फ्रेंड्स, ये हेडफोन बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड फोल्डेबल है, इसलिए इसे आप फोल्ड करके जहाँ चाहे ले जा सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस हेडफोन को 650 के अंदर लेना चाहिए या नहीं, तो फ्रेंड्स मैं कहूँगा इस हेडफोन को आप बिना किसी हेजिटेट के ले सकते हो क्योंकि इसका जो पहला प्राइस था ये 1000 के आसपास था। और फ्रेंड्स, इस हेडफोन का जो साउंड क्वालिटी एंड बेस है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इससे प्रीमियम क्वालिटी का हेडफोन से इस हेडफोन का आप कॉम्पीट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज के अंदर मार्केट में जितने भी बेस्ट हेडफोन आते हैं उनमें से ये एक है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। सो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना।